अगर आप लोग भी मेरी तरह फ्री में 11 लैब्स की वॉइसेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आपको प्रोफेशनल वे से 11 लैब जैसी वॉइस फ्री में हासिल करना सिखाऊंगा। 11 लैब की तो पेड है, पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा सस्पिशियस एक्टिविटी का मैसेज आता है फ्री वालों के लिए। अब उसकी मतबादिल हमें वॉइस भी चाहिए 11 लैब वाली, लेकिन हो भी फ्री में। तो ये वीडियो आपने सही इंतखाब किया, उसे आगे इन्हेंस करना था कि आप अच्छी तरह प्रोफेशनल वे से अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकें। वो भी सिखाऊंगा ताकि आपको कोई मसला ना आए। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर निकालना है या मैं लिंक दे दूंगा। ये वीबो ऐप है, ये वीबो आपने सर्च करना है। ये देखिए, ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। अब इस ऐप से एक मसला भी आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा उसका सलूशन। आपने इसे ओपन करना है, ये देखें, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल है, क्लिक कर दें। यहाँ पे अपना कोई सा भी ईमेल सेलेक्ट कर लें। अब कितने के ईमेल होंगे, एक होगा, दो होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। मैं इसका भी सलूशन बताता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि आप नया ईमेल बनाएं, इसका भी एक हल है, वो मैं बताता हूँ। अभी ये लॉगिन हो लो, ये देखें इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पे स्किप का बटन है, ये देखें, स्किप कर दें। यहाँ पे नीचे आएँ, AL टूल्स है ना, यहाँ पे क्लिक कर दें। टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, हॉट, मार्केटिंग, लवली। यहाँ पे देखें मेल वॉइसेस का बटन है ना, मेल वॉइसेस, क्लिक कर दें। आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा सा, ये देखें एडम लिखा हुआ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एडम ही है ना। कन्वर्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट होना है, मतन होना है। ये मैं नोट पैड में आ गया हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, मेरे पास इतनी लंबी ये है स्क्रिप्ट। अब इसे ये पहला 15 सेकेंड कॉपी किया, ये कॉपी किया, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, हो गया। अब आपने थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे ये अब इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा हम इसे कर लेते हैं कॉपी। 15 सेकंड का ये हो गया, 15 में 15 30 सेकंड गिनते आना है आपने। उसके बाद ये तकरीबन 1 मिनट का है, अब यहाँ पे हम ये लगा देते हैं 1 सेकंड। नीचे ये एस्टिमेट टाइम आ गया, 1 मिनट 21 सेकंड आ गया। यहाँ पे हम कुछ रिमूव करते हैं, अब आ गया 1 मिनट। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर दें, ये देखें 1 मिनट और 1 सेकंड। हमें चाहिए 1 मिनट से छोटी हो, हालांकि इन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमने बनाना है 1 मिनट से छोटी वाला। तो हम यहाँ पे इसे रिमूव कर देते हैं, ये वाला पार्ट कट कर देते हैं। इतना टेक्स्ट हो कम से कम 1 मिनट से छोटी हो। अब 38 सेकंड हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, क्लिक करें। बाकी भी सिखाता हूँ, पूरी वीडियो आपके सामने करूँगा जो मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी है ना। आप 1 मिनट से बड़ी ऑडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये कहते हैं प्रीमियम परचेज़ करें। फ्री वाले में आपको 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट में आप 1-1 मिनट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी 1 मिनट की पहले वॉइस ले लें, फिर बाकी का जो 1 मिनट बचते हैं उसकी वॉइस बाद में ले लें, ये इनकी पॉलिसी है। आसान अल्फाज में आपने ना जब भी कोई स्क्रिप्ट जो वॉइस में करना है, कम से कम 1 मिनट से कम होने चाहिए। यहाँ पे ये 38 सेकंड है ना, आपके 1 मिनट से कम होने चाहिए। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देखें, जनरेटिंग यानी वीडियो तैयार हो रही है। अब हमने क्या करना है,
ये नीचे बटन है एआई टूल्स का। टेक्स्ट टू स्पीच, जो बाकी की वॉइस है ना वो भी हमने इसी तरह आए जैसे पहले हम आए थे, दोबारा हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगाते हैं, यानी एडम को सिलेक्ट किया, फिर हमने अपना वो स्क्रिप्ट दिया बाकी का, और थोड़े अल्फाज दिए कि 1 मिनट से कम हो। ये देखें पहले वाली हमारी तैयार हो चुकी है जबकि दूसरी तैयार हो रही है। यहाँ पे ये 3 डॉट का बटन है, क्लिक करें। उसके बाद आता है सेव टू एल्बम का बटन, यहाँ पे क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगी वीडियो की फॉर्म में। इसे ऑडियो में कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ये जो अगली वॉइस है इसे भी यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं। अब हमने 1.5 मिनट यूज़ कर लिया 2 मिनट की वीडियो में से। अब हम तकरीबन 40-50 सेकंड की और जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच पे गया, ये यहाँ पे हम गए मेल वॉइसेस में एडम पे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं स्क्रिप्ट, ये देखते हैं 52 सेकंड हमारे पास है। ये देखिए 52 सेकंड की हम स्क्रिप्ट ले सकते हैं जबकि हमारे यहाँ 55 सेकंड। अब इसके दो हल हैं, या तो मैं यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट इतना ये वाला रिमूव कर देता हूँ ये अगली स्क्रिप्ट में से, ये देखें 41 सेकंड का हो गया है ना। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जो अब हमने कट किया यानी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो हम अगली स्क्रिप्ट में लगा देंगे। अब ये हम तीसरी करते हैं सेव, ये तकरीबन 1.5 मिनट से ऊपर है, 2 मिनट कह लें, 2 मिनट की हमने ऑडियो ले ली है, वॉइस ओवर ले ली है। ये देखें अब मेरा टाइम भी पूरा हो गया है और मुझे और वॉइस ओवर करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेबो ऐप है दबा के रखा, ये आई का बटन है यानी ऐप इन्फो, इसकी सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे होता है एक बटन स्टोरेज एंड कैची, क्लिक करें, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लियर आई कर दें। ये देखें अब आपने क्या करना है, क्रोम में जाना है, यहाँ पे एक वेबसाइट है टेम्प मेल, ये आपने लिखना है, पहले नंबर पे आ जाएगी, क्लिक करें, यहाँ पे ईमेल आपको बना के देती है टेम्परेरी आर्जी तौर पे, यहाँ पे डिलीट करेंगे तो नया ईमेल बन जाएगा। ये देखें ईमेल आ गया, कॉपी करें। अब हम क्या करते हैं, वेबो ऐप निकाला, यहाँ पे वेबो ऐप, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ईमेल डाल दिया, पासवर्ड में भी यही ईमेल डाल दें, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अब ये कह रहा है इस अकाउंट पे बना हुआ है पहले, तो हम क्या करते हैं दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ पे नीचे डिलीट का बटन है, क्लिक कर दें, नया ईमेल बन जाएगा। ये देखें नया जनरेट हो रहा है, हम नया लगा देंगे। इस तरह अगर कह रहे हैं कहें कि पहले बना हुआ है तो आप एक नया ईमेल लगा सकते हैं। ये कॉपी किया और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यूँ आएगा, यहाँ पे स्किप का बटन है, स्किप करें, एआई टूल्स पे क्लिक करें, टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करें। जो आपने करेक्टर पहले लिया था ना, एक करेक्टर से वॉइस ओवर करवानी हो तो दोबारा उसे सिलेक्ट कर लें। अब आपकी एक कहानी है उसमें 2 करेक्टर हैं, एक बाप है एक बेटा है, तो उस हिसाब से आप वॉइस तलाश कर लें, या एक मेल है फीमेल है, अगर एक ही करेक्टर है तो उसकी सेम ही आवाज़ होनी है ना। ये एडम पे क्लिक किया, कन्वर्ट नाउ पे क्लिक किया,
अब जो बाकी हमारी वॉइस हुई थी ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कहते हैं पेस्ट। ट्राई क्रिएट पे हिंदी में भी आप जनरेट कर सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं, मुझे इंग्लिश में चाहिए थी तो इसलिए मैंने इंग्लिश चूज़ किया। यहाँ पे स्किप करते जाएं और फाइनली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। अब मेरी जो वॉइस ओवर रहती थी बाकी की उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर ली। लास्ट स्टेप है, ये देखें ये अब लास्ट वन है, इसे भी हम थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अब ये हमारे पास वीडियो की शक्ल में आ गए हैं, इन्हें हमने ऑडियो में कन्वर्ट करना है और इसको प्रोफेशनल बनाना है कि ये इस्तेमाल कर सके, यानी इस्तेमाल करते हुए कोई मसला ना आए, किसी किस्म का कॉपीराइट वगैरह ना आए। आपने क्या करना है, कोई से भी एडिटिंग ऐप निकाल लें, जैसे मैं कैप कट निकाल रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो भी आपने वॉइसेस डाउनलोड किए हैं उनको आपने तरतीब के साथ इस तरह एक्सपोर्ट कर लेना है। ये देखें ये आ गई है ना सारी तरतीब के साथ, 2 मिनट और 33 सेकंड बने हैं तकरीबन। ये ऊपर बटन है, यहाँ पे क्वालिटी आपने सबसे लो कर देनी है, ये फ्रेम पर सेकंड भी सबसे लो, इससे भी सबसे नीचे कर दें, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। ये हमारी जो ऑडियो है ना वो एक तरतीब के साथ बड़ी बन गई है, जैसे हमें चाहिए थी बड़ी ऑडियो। इन्होंने हमें कहा था कि आप 1 मिनट की ऑडियो निकाल सकते हैं एक वक्त में, तो हमने छोटे छोटे क्लिप लिए। पहले हमने स्क्रिप्ट ली, स्क्रिप्ट के टुकड़े किए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर छोटे छोटे हिस्से की हमने वॉइस जनरेट की, ये वीडियो की शक्ल में आई। तो हमने क्या किया, इन सभी को कंबाइन करके एक बड़ी बना ली फाइल। अभी ये हमारे पास थोड़ी सी रहती है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आपने क्या करना है, एक ऐप होनी है प्ले स्टोर पे, वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, ये वाली स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ओपन करनी है। ये देखें वीडियो टू ऑडियो क्लिक करें, यहाँ पे कैमरा में होगी, ये देखें ये वाली क्लिक करें। What if everything we know about the sun is complete? अब यहाँ पे नीचे बटन है कन्वर्ट का, इससे ये सेटिंग आपने डिफ़ॉल्ट लेने देनी है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, ये कन्वर्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं। ये देखें जो सबसे ऊपर आए ना वो वाली वॉइस है, थ्री डॉट पे क्लिक करें, रीनेम, इसका कोई सा भी नाम लिख दे पहचान के लिए, जैसे मैं एडम लिख देता हूँ, ये एडम की वॉइस है। अब आपने क्या करना है, इसको काबिले इस्तेमाल में लाने के लिए कि किसी किस्म का मसला ना आए, आपने निकालना है क्रोम, ओपन करना है, यहाँ पे अडोबी पॉडकास्ट ये वाली वेबसाइट है, ओपन करें। इसके अलावा एक दो और भी हैं जैसे कॉस्टिक AI वगैरह होगी, यहाँ पे ये देखें इनहेंस स्पीच, यहाँ पे आपने अपनी फाइल चूज़ करनी है ऑडियो, हम यहाँ पे ऑडियो में जाते हैं, यहाँ पे वीडियो टू ऑडियो, ये देखिए एडम के नाम से सेव की थी, अभी यहाँ पे अपलोड हो रही है, उसके बाद ये क्वालिटी इसकी बढ़ जाएगी, प्रोफेशनल हो जाएगी। ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद ना ये देखें ये इनहेंस हो गई है, नीचे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड कर लें, ये देखें
ये वाली हमारी ऑडियो फाइल एडम इन्हेंस्ड वाली डाउनलोड हो रही है। अब ये हमारी असल वॉइस है, इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें।